तो हेलो गाइस, इसमें मैं मनोज विलेजर, और यहाँ पे मेरा रिकॉर्डर ऑन करने की वजह से थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ। अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी किया ना, अभी बता दे। इसीलिए यहाँ से सब भाग चुके हैं, लेकिन ये पर्पल मुझे दिखाई दे रहा है, और इसको मारो, यहाँ से चला जाओ भाई, मार के यहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी। अबे यहाँ पे येल्लो वगैरह सब है यार, यहाँ से निकल जाओ कैसे भी करके। और उतने में यहाँ पे रेड का बॉडी भी रिपोर्ट हो गया है यार। और यहाँ पे देखो, मेरा दोस्त जो है वो ब्लैक जैक है, और बहुत अच्छे अच्छे रोल से डॉक्टर वगैरह। ये देखो भाई, पहले इसने पिंक पिंक बोल दिया, येल्लो ने, सभी ने पिंक कोट कर दिया, और पहले मेरे साथ को निकाल दिया यहाँ पे भाई। कम से कम ब्लैक जैक का स्किल तो एबिलिटी तो यूज़ करके चला जाता, तुक्के में ऐसे उसे मार देता तो अच्छा होता यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे जिताना पड़ेगा मैच को, पूरी मैच को अकेला ही खेलना पड़ेगा यार। ये तो स्टार्टिंग में ही मर गया, क्या कर सकते हैं अब। तो मैंने यहाँ पे लाइट बंद कर, अभी कूल डाउन में मिस 15 सेकंड बचे हैं यार, तो ब्राउन के पीछे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से निकल जाते हैं। अभी ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर कोई आया तो पक्का उसे मार दूंगा भाई। लाइट तो मैं फिक्स करने वाला नहीं हूँ, आने दो किसी को तो मारूंगा भाई। वैसे व्हीलचेयर किसी काम का नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वेंट बना दिया। मैं यूज़ तो नहीं करने वाला इसे, फिर भी बना दिया। लेकिन यार अभी तक इन लोगों ने लाइट तो फिक्स करा ही नहीं है। छोड़ो मुझे क्या, मुझे तो अच्छी, ये तो अच्छी बात है भाई, ये लोग अगर लाइट फिक्स नहीं करेंगे तो इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे ये तो क्रिंज भाई, ये क्रिंज दिमाग ख़राब कर देता है सही में। कहाँ गए भाई, तब से ढूंढ रहा हूँ, कोई तो मिल जा। चलो एडमिन चलते हैं, एडमिन में ज़्यादातर हैकर होते हैं वहाँ पे। लेकिन एडमिन में इस बार हैकर भी नहीं है यार, क्या किस्मत है यार। शी अभी मैं एक काम करता हूँ, वहाँ पे आगे जाके वेंट बना देता हूँ, इधर से उधर सीधा चला जा सकता। जादूगर है, यहाँ पे दौड़ने में यार मजा नहीं आता। अबे भाई येल्लो मिल गया, चलो इसको मार दिया, कम से कम कोई तो मिला। अब मुझे थोड़ा आगे जाके यहाँ पे एक वेंट बनाना है, ताकि मैं इस साइड से उस साइड आराम से ट्रैवल कर सकता हूँ। देखो जब मैं यहाँ तक आया, तभी मुझे याद आया कि मैं वेंट के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये दरवाज़ा बंद पड़ा है भाई। और उतने में ब्लू ने मीटिंग भी बुलाया, पता नहीं क्यों। ब्लू कौन सा नशा कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब तुम लोग देखना, अभी यहाँ से बिल्कुल भी मिस मत करना ठीक है। और यहाँ पे देखो, ब्लू ने मीटिंग बुला के ग्रीन के ऊपर डाल दिया। ग्रीन मतलब ग्रीन तो ग्रींस था ना, फिर भी ब्लू ने ग्रीन को बोल दिया। मुझे मैं यहाँ पे समझ गया था कि ब्लू जो है जोकर हो सकता है, लेकिन यार यहाँ पे ग्रीन ने कुछ ऐसा बोल दिया, उसे सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। वो बोल रहा था कि वो चीट यूज़ कर रहा है, और उसे पता है इम्पोस्टर कौन है, और उसने मेरा नाम बोल दिया। वो बोल रहा था कि सियान इम्पोस्टर है और मैं एक चीट यूज़र हूँ, इसीलिए मुझे सब पता है। लेकिन यार यहाँ पे उसका कोई विश्वास नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको यहाँ पे निकाल दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ऑरेंज ने कहा था कि नेक्स्ट सियान को हम ट्राई करेंगे, अभी ग्रीन को निकाल दो। और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, दो बंदे ने मुझे वोट भी कर दिया। अब मुझे पक्का ये लोग निकालने वाले थे, मीटिंग बुलाने वाले थे, इसीलिए मैंने वो सैबोटेज दे दिया ठीक है। और ब्राउन को देखो, ब्राउन मेरे पीछे ही आ रहा है, मैंने इसीलिए नाटक करने का कोशिश किया कि सैबोटेज टिक करने मैं जाऊँगा, इसीलिए मैं यहाँ पे सैबोटेज टिक करने चला गया। और ब्राउन को देखो, ब्राउन यहाँ से दूसरी ओर चला गया, और मुझे ठीक नहीं करना था, मैं बस यहाँ पे कूल डाउन होने का वेट कर रहा हूँ। कोई आए तो पक्का यहाँ पे मार दूंगा उनको। देखो भाई कूल डाउन तो हो गया, अभी कोई आए तो पक्का यहीं ही मार दूंगा। देखो ऑरेंज आ गया, ऑरेंज को मार दिया मैंने, और यहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ कहाँ जाऊँ। ऊपर से कूल डाउन भी नहीं हुआ, मैं यही चाहता था कि कूल डाउन टाइम ख़त्म होने तक कोई ना आए यहाँ पे, अगर आए तो यार बॉडी रिपोर्ट कर देंगे और हो जाएगा मेरा काम तमाम। देखो नीचे ब्राउन आ रहा है, अरे यार अभी सिर्फ 7 सेकंड बचा है, और ब्राउन ने भाई रिपोर्ट कर दिया ये देखो। और यार मैंने यहाँ पे सारे उम्मीदें छोड़ दी थी, जीतने का मतलब कोई उम्मीद बचा ही नहीं था यार, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ब्राउन का नाम ले लिया, ब्राउन करके बोल दिया, और वाइट ने भी मेरा साथ दिया। देखो अभी वोटिंग रिजल्ट देखते हैं अभी क्या आता है ठीक है। मैं यहाँ पे ब्राउन ब्राउन स्पैम मार रहा था, अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी किया ना, अभी बता दे। बेचारा यार ब्राउन पूरा कोशिश कर रहा था मुझे निकालने का, लेकिन यार वाइट ने उसको ही वोट कर दिया, और ब्लू तो भाई जो करता है उसने खुद को ही वोट कर लिया बेचारा। लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था व्हाइट ने मेरा साथ क्यों दिया, उसे पता था मैं इम्पोस्टर हूँ, फिर भी उसने क्यों साथ दिया। और मुझे बाद में पता चला कि व्हाइट सर्वाइवर था भाई, सर्वाइवर जीतने के लिए किसी का भी साइड ले सकता है। बात तो सही है।